नमस्कार, आप देख रहे हैं T10 24। मैं हूं प्रिया पांडे आपके साथ आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। लखीमपुर खीरी में अवैध रूप से चलने वाले अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। गोला गोकर्णनाथ में जीवन डायग्नोस्टिक सेंटर पंजाबी कॉलोनी का एक ऐसा सेंटर है जिसके खुलने के बाद अभी जांच करने नहीं पहुंची कोई अधिकारी, जबकि इस डायग्नोस्टिक सेंटर के पास किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। वहीं सीएससी अधीक्षक डॉक्टर गणेश से मिली जानकारी में बताया कि जल्द ही इन सेंटरों पर कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेंटर को स्वास्थ्य विभाग का कोई व्यक्ति संचालित करा रहा है। अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि इसकी जाँच कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। पेपर्स वगैरह तैयार जानकारी, ये तो बिना वहाँ पे विजिट किए हुए पता नहीं चल सकता है कि इनके पेपर्स पूरे हैं या नहीं है, क्योंकि इधर विगत कुछ महीनों से हम लोगों ने कार्रवाई भी करी है और अस्पताल सीज भी किए हैं, जिसके लिखित जानकारी हम लोगों ने अपने मुख्यालय में भी दी है। तो अगर आप ऐसा कुछ सेंटर बता रहे हैं तो उसको दोबारा चेक कर दिया जाएगा अगर नहीं किया गया है अभी तक। तो नहीं, ये भी जानकारी लगी कि कभी जो है इसके ऊपर कभी भी जाँच नहीं पहुँची, कोई भी अधिकारी से नहीं पहुँचा है ये जीवन डायग्नोस्टिक सेंटर पे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली गोला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो ऐसे जगहों पे ये होते हैं जहाँ पे हर समय पहुँच पाना, जब तक पूरी जानकारी ना मिलेगी कहाँ पर है लोकेशन में, तो उसके बिना पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे भी आपने जानकारी दी है तो मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करने का कोशिश करूँगा। यही तो जो कुछ लोगों का जो कहना है, जो हवा हुई है, इसमें विभाग के ही मिले लोग हैं किसी डायग्नोस्टिक सेंटर को चला रहे, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर जो परमानेंट है वो यहाँ पर अपने नाम से डायग्नोस्टिक खोलने की कोशिश करेगा। अगर फिर भी ऐसी कोई संलिप्तता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर कोई जो है कोई एक ऐसा नाम सुनने में आ रहा है जो योगेश करके नाम है, जो इस डायग्नोस्टिक सेंटर का इन्फॉर्मेशन है, और शायद वो क्या ये योगेश हमारे विभाग से हैं? हाँ, ये अपने सीएससी या सीसी में कहीं थे। ओके, योगेश हमारे, जहाँ तक हमारी जानकारी, योगेश नाम से एक BCPM है हमारे पास, बाकी और कोई नहीं है। पाल जी है उनका नाम। ओके, तो ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ इस चीज़ को कि उनकी संलिप्तता है या नहीं, मैं उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करता हूँ। क्या इस सेक्टर पे कार्रवाई होगी? क्या बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? कब तक उम्मीद की जाएगी कार्रवाई होगी या जांच जाएगी? 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए। कितना समय क्यों? क्योंकि अन्य प्रोग्राम भी चल रहे होते हैं, सब कुछ साथ में करना होता है, एक टीम बनानी पड़ती है और सभी को अलग जगह से उठाना पड़ता है। जैसे आज मंडे का दिन है तो काफ़ी रश है हमारे पास OPD का, तो सिर्फ एक जन के जाने से तो नहीं होगा, 4-5 लोग चाहिए होते हैं, तो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है इसी वजह से। तो कार्रवाई होगी, इसके लिए सुनिश्चित रहिए। ऐसा नहीं कोई उनकी इतना समय लेने का वजह ये हो सकता है कि कहीं जो है उसको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही कोई संभावना। जो जांच जाती हैं उसमें वो एक नियुक्ति भी और सदस्य बन के भी जांच करने जाते हैं जिनका नाम लिया गया है? नहीं, देखिए टीम का तो रैंडम सिलेक्शन किया जाता है, कोई परमानेंट है नहीं इसमें कि मेंबर्स में कोई परमानेंट हो, हम लोग एक टीम रैंडमली बनाते हैं और रैंडमली सिलेक्शन चेकिंग पे जाते हैं।